नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो अभी आपने जैसे पीछे वीडियो देखी कि मेरे मायके के मंदिर के जो दर्शन है वो कर लें, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो मेरे मायके की किचन है, जिस किचन में मैंने शादी से पहले काम किया था और जहाँ मेरा बचपन बीता, हमने काम करते करते किचन में, तो उसका टूर भी आप लोगों को करवाया जाएगा। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जो हमारी किचन है वो आंगन में ही है और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। आंगन में जब काम करते हैं इतनी गर्मी नहीं लगती है, बंद किचन में गर्मी ज़्यादा लगती है। फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा, मेरा पसीना देख ही रहे हैं कि मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ है और जो माथे का तिलक है वो भी पूरा बह रहा है। तो ठाकुर जी के लिए मैंने सब्जी बना दी है, क्योंकि जब घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो काम भी बांट कर किया जाता है। भाभी जो है वो घर के बाकी काम करती हैं, जो मम्मी है सब्जियां काट काट कर दे देती है, क्योंकि हम जो फिरोजपुर से आए हैं, हम पांच लोग आए हैं और जो यहाँ है चार पांच लोग यहाँ के, तो 10-12 लोगों का काम हो जाता है। तो मिल बांट के करो तो अच्छा भी लगता है और काम जल्द भी हो जाता है और किसी के ऊपर यानी कि कहीं भी जाए प्रेशर नहीं आता काम का, क्योंकि अपने घर में होते हैं तब भी तो हमें काम करना ही पड़ता है। तो मैं आज बना रही हूँ, भाभी घर की ओर काम कर रही है, ये मैंने बनाई है ठाकुर जी के लिए गवार फली और एक यहाँ पर फूट आती है जिसे काकड़िया बोला जाता है राजस्थान में, तो उसकी सब्जी बनाई है। और एक सब्जी बनी है ये बनाई है आलू बैंगन और ये बन रहे हैं सैंडविच। ये सैंडविच बन रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आज बच्चों की डिमांड आई है कि बुआ जी मेरे को आलू प्याज के सैंडविच बनाकर आप दे दें, तो ये बनाए जा रहे हैं वो। तो ये बन रहा है आलू प्याज का मसाला, इसमें आज बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट यही बनेगा, लंच की तैयारी भी हो ही गई है। तो किचन आजकल काफ़ी बड़ी बड़ी किचन बनाई जाती है, ट्रेंड में है। तो पहले के जो लोग थे या जो पहले की जो किचन बनती थी छोटी छोटी होती थी, लेकिन वो वेल ऑर्गेनाइज होती थी कि जैसा मर्जी जितने मर्जी मेहमान घर में आ जाएं, सभी के लिए अच्छे खासे तरीके से सामान भी बनता था और वो लोग खुश भी होते थे। जैसे जैसे हमारी किचन का फैलाव बढ़ता जा रहा है, मेहमान कम आते जा रहे हैं और थोड़ा मेहमान अगर ज़्यादा दिन आए तो लगता भी है कि क्यों आया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, तो जो हमारे अतिथि होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको देखकर कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि वो हमारे घर क्यों आए हैं। तो पहले के लोगों के पास सामान कम से कम रखते थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का खाना बनता था, और आजकल क्या है, ज्यादा से ज्यादा सामान रखते हैं और कम से कम लोगों का खाना बनता है। तो अभी आपको इस किचन का जो मैं टूर करवाने जा रही हूँ, आप खुद देख कर हैरान हो जाएंगे कि इतनी छोटी सी किचन में कितने अच्छे तरीके से पूरा सामान रखा हुआ है। आप देख ही रहे हैं पूरी किचन है, इसमें आपको कोई भी सामान बाहर नजर नहीं आ रहा। और ऐसा भी नहीं है कि खाना नहीं बनता, प्रॉपर तरीके से खाना सबका बनता ही है। तो अभी चलो दिखाती हूँ, शुरुआत कर लेते हैं सिंक से। तो ये किचन के साथ ही आंगन में ये सिंक है, इसमें बर्तन मांजे जाते हैं, सिंक है तो बर्तन ही मांजे जाएंगे। और इसमें मार्बल की है, पार्टीशन किया हुआ है, वहाँ बर्तन साफ होते हैं, यहाँ साफ होने के बाद रख दिए जाते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से यहाँ लगा हुआ है एक्वागार्ड। तो ये किचन की बनी हुई है सेल्फ, जहाँ पर अब खड़े होके खाना बनाया जाता है, लेकिन जब शादी से काफी साल पहले यहाँ एक आंगन में एक थड़ा बना होता था, ईंटों का फर्श था, तो वहां पर हमने स्टोव में भी खाना बनाया, मैंने अंगीठी में भी खाना बनाया, क्योंकि हमारे गाय थी तो लकड़ी जलाते थे कि उपले जलाकर खाना बनाया करते थे। तो जैसे जैसे समय निकलता गया, फिर स्टोव आ गई, फिर और समय निकला तो गैस आ गई। गैस आने के बावजूद भी काफी टाइम तक मैंने जो खाना है बैठकर बनाया है, और उसके बाद ये जो सेल्फ है ये बना ली गई, उसके ऊपर अब ये काम काफी सालों से खड़े होकर ही किया जाता है। और कोई ये सेल्फ बहुत बड़ी नहीं है, आप देख ही रहे कितनी बड़ी है। तो सेल्फ के नीचे सिलेंडर रखा हुआ है और यहाँ तवा, जो भी सामान जरूरत का होता है वो रखा हुआ है, इधर बर्तन है, जो भी जरूरत के बर्तन होते हैं यहाँ रखे हुए हैं, और जो मेन स्टोर है वो हमारा है ये देखिए,
तो यहाँ आपको हर सामान मिलेगा, जो चाय पीने के लिए कप है वो भी यहीं रखे हैं, बिस्किट, नमकीन, चाय पत्ती, चीनी, देसी घी, रिफाइंड, यानी कि किचन में जो भी जरूरत का सामान है जो हमें जल्दी जल्दी चाहिए होता है वो यहाँ रखा हुआ है। जो डेली यूज में हमें चाहिए होता है वो आगे है, जो कभी कभी चाहिए होता है वो है पीछे, और जैसे मसाले हैं वो हमने अलग रखे हैं क्योंकि वो हमें डेली चाहिए होते हैं। फिर इसके नीचे एक और अलमीरा है, यहाँ ये देखिए आटा रखा हुआ है, यहाँ पीछे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं क्योंकि जब कोई ज्यादा लोग आ जाते हैं तो बड़े बर्तन चाहिए होते हैं तो निकाल लेते हैं इजीली, वैसे छोटे बर्तन आगे आगे होते हैं या वो डेली यूज में यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं मेन अलमारी में जिसमें और भी सामान रखा है। तो ये मंदिर आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, तो उस वीडियो में मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि ये जो शिवलिंग है ये उज्जैन से लेकर आए थे मेरे पापा जी, आज उज्जैन से ही ना हमें उज्जैन से मेरे पापा जी लेकर आए थे 24 साल से। तो मेरे पापा जी जो है ये उज्जैन से लेकर आए थे, तो ये 24 साल पहले लेकर आए थे, तो घर पे इनका रुद्राभिषेक भी किया हुआ है और डेली जल, भांग, धतूरा जो भी भगवान शंकर पर चढ़ाया जाता है वो चढ़ाते हैं। फिर ये है ऊपर अलमीरा, आप देखिए कितने अच्छे तरीके से सिमटी हुई है, और यहाँ मसाले सारे रखे हुए हैं, अचार रखे हुए हैं, जीरा हो गया, अजवाइन, जो मिक्सी है ये भी हमें डेली चाहिए ही होती है, जरूरत की है वो यहाँ रखी हुई है, और बाकी के आप देख रहे हैं सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। किचन के बिल्कुल साथ है ये अलमीरा क्योंकि झट से जो भी सामान चाहिए हम यहाँ से ले लेते हैं, और किचन के बिल्कुल साथ ही ये पानी के लिए रखा हुआ है, पानी भी चाहिए होता है किचन में, तो यहाँ से पानी लेकर साफ सुथरा पानी फिर खाना बनाया जाता है, और ये रखा हुआ है मटका, इसमें से पीते हैं पानी क्योंकि आजकल फ्रिज का पानी कोई नहीं पीता है। तो आप लोगों से बातें करते करते जो मसाला है वो भी तैयार हो गया है और बच्चों का काम भी हो ही गया, उन्हें सैंडविच खाने को मिल जाएंगे, और इसी दौरान आपको मैंने जो किचन का टूर है वो भी करवा दिया। तो जो हम बचपन से ही जो चीजें एज इट जहाँ रखी हुई, कुछ कुछ चीजें हैं वो आज भी वहीं पर हैं। तो ये देखिए हमारे आंगन में किचन के पास जो ऊपर की ओर दीवार है यहाँ पर हमने 12 ज्योतिर्लिंग की जो एक पोस्टर है लगाया हुआ है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की सुबह जब भी उठ के आते हैं आंगन में आकर हमारे भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। और ये जो आप साथ में एक जो और अलमारी सी देख रहे हैं, यहाँ पहले ये खुली थी, ये बाद में लगाया गया दरवाजा, इसके यहाँ पर भी हमारे बर्तन रखे हैं, जो बहुत भारी भारी सामान होता है कभी कभी चाहिए होता है वो इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये किचन टूर मैंने आप लोगों को करवाया जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ से मैंने खाना बनाना सीखा, और शादी से पहले जो जो काम किया है, तो शादी से पहले इस किचन में ही काम करते थे, चाहे घर में 10 लोग आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, 10 लोग तो अभी भी एट प्रेजेंट हम घर में हैं, 6 लोग तो हम फिरोजपुर पंजाब अपने ससुराल से आए हुए हैं। तो आलू का मसाला बन गया है, गैस का फ्लेम कर दूंगी मैं इस दौरान बंद, आपसे बातें करते करते 1 पंथ 2 काज हो गए हैं, और अभी मम्मी से मैंने मिर्च का अचार डलवाना है, वो भी आप लोगों को सिखाऊंगी, मम्मी सिखाएंगी आपको कि मिर्च का अचार कैसे बनाया जाता है। तो आज आपने जो किचन देखी जो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज है, तो उसका जो श्रेय है वो सारा मेरी भाभी को जाता है क्योंकि ये हर काम बड़े सलीके से और बड़े अच्छे ढंग से करती हैं, और हम दोनों का प्यार भी बहुत है क्योंकि शादी से पहले मैं 1 से 1.5 साल इनके साथ ही रही हूँ। तो आगे आगे आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी भाभी के साथ, मम्मी के साथ भी आपको मम्मी जरूर दिखाऊंगी, जिनसे हमारे जो संस्कार रहे हैं या जो जो अच्छी अच्छी चीजें मैंने उनसे सीखी हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो जो ये मेरी भाभी है ये सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और ये पूरा दिन काम करती रहती है, मैंने इनको आराम करते बहुत कम देखा है, तो तभी घर चलता है जब एक औरत घर का पूरा काम प्रॉपर तरीके से करती है, तो घर चाहे जैसा भी पूरा सिमटा रहता है और अच्छे तरीके से चलता है। तो ऐसे नहीं है, तो आप देख रहे हैं ये वॉशिंग मशीन रखी है, अभी आपको अगर वॉशिंग मशीन में खोल कर दिखाऊंगी तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये वॉशिंग मशीन 3 साल पुरानी है। जब इन्होंने वॉशिंग मशीन खोली तो मेरे हस्बैंड ने बोला मजाक में कि ये आज ही लेकर आए हो क्या, तो लेकिन ये 3 साल पुरानी है। पूरा घर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है आप देखें। तो ये देखिए आप ये फ्रिज देख रहे हैं, फ्रिज को देखकर भी यही लगेगा कि फ्रिज
आज ही नया लेकर आए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो फ्रिज आया है, ये फ्रिज को आए को हो गए 5 साल, जब इनकी 25th एनिवर्सरी थी। तो ये है मम्मी मेरी, तो इनसे भी आपको अच्छे तरीके से बाद में मिलवाऊंगी। और जो जो मैंने आपको भी जैसे बताया हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार क्या क्या है, वो भी मैं इन्हीं से ही सीखती हूँ। अभी रात को सोने से पहले जो मंत्र बोला जाएगा वो मैं इन्हीं से ही सीख कर आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो क्या आज का तो ये ब्लॉग है आपको जरूर पसंद आया होगा। जहाँ मैंने बचपन में काम किया, जहाँ मैंने बचपन में खाना बनाना सीखा और उसका मैंने आपको टूर करवाया, उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।